राजस्थान प्रदेश के जालौर जिले में 9 वर्षीय स्कूली छात्र पर घड़े से पानी पीने पर स्कूल शिक्षक द्वारा मारपीट की घटना किए जाने से मृत्यु हुए बालक पर जातिवाद भेदभाव किए जाने का आरोप लगाते हुए समाज पार्टी ने जताया अपना आक्रोश। राजस्थान के जालौर जिले में 9 वर्षीय छात्र इंद्रदेव मेघवाल के साथ हुई बर्बरता पर आक्रोशित बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ जिला दुर्ग द्वारा नाराजगी जताते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही आरोप लगाया गया कि राजस्थान प्रदेश में जातिवाद के कारण 9 वर्ष के बालक मेघवाल मौत के जिम्मेदार हैं। कार्रवाई करते हुए 2 शिक्षक को फांसी देने की मांग की। इसी कड़ी में उन्होंने बताया कि पहले भी राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल नामक युवक को मुछ रखने की वजह से जातिवादियों ने हत्या कर दी थी। आज भी दलितों को घोड़ी पर चढ़ने पर भी हत्या की जाती है। राजस्थान सरकार इस समय भारत देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर दलितों पर जातिगत भेदभाव के कारण सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार की घटनाएं हो रही है। इस संबंध में न्यूज टीम को ज्ञापन देने पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब को नमन करते हुए अपनी बात बताता हूं। अभी जो राजस्थान के जैसोर जिले में 9 वर्षीय बालक इंद्र मेघवाल के साथ जो हुआ है, पानी पीने को लेकर जातिवाद मानसिकता के द्वारा उनके शिक्षक छैल सिंह, जो एक मान्य पद सम्मानी पद पर होते हुए भी उनकी मानसिकता इतनी गंदी है, उन्होंने बच्चे को सिर्फ पानी के लिए मारा और इतना मारा कि उनकी मृत्यु हो गई। 13/8/22 की घटना है, लेकिन हम उस बच्चे के लिए हम चाहते हैं कि उस बच्चे के परिवार को 5 करोड़ मुआवजा दिया जाए और साथ ही में छैल सिंह को फांसी दी जाए और उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाए। और उनके साथ ही जो राजस्थान में घटना घट रही है, कांग्रेस सरकार को हम आदरणीय राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाए। और इनके साथ पिछले भी जितेंद्र मेघवाल के साथ भी यह घटना घटी थी, मूछ रखने पर उसे भी मारा गया था। ये घटनाएँ लगातार राजस्थान सरकार में घट रही है। ये सरकार जो है जातिवादी मानसिकता की है और वोट लेते समय तो ये हमें हिंदू का दर्जा दिया जाता है, लेकिन हमारे साथ हिंदू हिंदू के साथ ये कर रहे हैं, बहुत दुर्भावना है और ये नहीं होना चाहिए। साथ में छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर भी सरकार जो हो रही है एक समाज के साथ, रतनामी समाज कवर्धा में कांड हुआ, कई जगह हो रहा है, इन चीज़ों को बंद किया जाए। हमारी यही मांग है कि वहाँ पर कांग्रेस सरकार बर्खास्त किया जाए और इंद्र मेघवाल को सही उचित उसकी मुआवजा दिया जाए एवं उसको उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, साथ में सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। लापरवाही उसमें ऐसा है कि जो उनको प्यास लगा होगा तो जो मटकी में जो पानी रहता है उनको पीने का प्रयास किया गया, जिसके कारण वो जो बच्चा है, जो सामाजिक जो भेदभाव है उसको सामने रख के उन्होंने उन पर अत्याचार किया, उनको मार पीट किया और उनके दरमियान 7-8 दिन बाद वो ख़त्म हो गए। तो आज वर्तमान समय में ये सरकार का बहुत बड़ा नाकामी है, कांग्रेस सरकार की नाकामी है कि पिछले कई घटनाएं हुई उस प्रदेश में और सरकार का ध्यान इस घटना के ऊपर रहना चाहिए। आज दलितों का वोट लेती है लेकिन वो दलितों के ऊपर जो अत्याचार होती है उन पर वो कार्रवाई क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं कि उस परिवार को न्याय मिले और जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया उनको तुरंत तत्काल फांसी की सजा, और बताए वहाँ जो शिशु मंदिर जो शिक्षण संस्थान है, ऐसे शिक्षण संस्थान को तुरंत वहां खत्म किया जाए, तुरंत उनको हटा दिया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।